बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस नेताओं के साथ साइंस कॉलेज देखने पहुंचे। दीपक जोशी ने कॉलेज की अव्यवस्था और परेशानी को लेकर प्राचार्य व स्टाफ से बात की, साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से भी चर्चा कर उनकी परेशानियां सुनी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों को लताड़ते हुए कहा कि कमीशन के चक्कर में साइंस के विद्यार्थियों को इतनी दूर भेजा है। साइंस कॉलेज जो वहां शिफ्ट किया गया है, जहां छात्र छात्राओं को पहुंचाना संभव नहीं है, और चलो कॉलेज बना भी दिया तो बिजली पानी की तो व्यवस्था करनी चाहिए, फर्नीचर भी इधर उधर पड़े हैं जो बारिश में खराब हो जाएंगे। यहाँ पर कॉलेज बनाने का गलत निर्णय है, हम इसके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। विगत 3-4 दिनों से पेपरों में बड़ी मुखरता से ये बात आ रही है कि देवांश के जो साइंस कॉलेज की बिल्डिंग है उस पर ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ पे छात्र छात्राओं को पहुँचना संभव ही नहीं। और कहा जाता है कि विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में अंतर यही बताया जा रहा है, लेकिन देवास का विशिष्ट ज्ञान यहाँ परिलक्षित होता है कि साइंस कॉलेज में बिजली नहीं, खाओ और खाने दो के नारे को चरितार्थ करने के लिए एसी लगा दिया गया लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं। ये मेरे ख्याल से एक इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, फर्नीचर देख ले, फर्नीचर पड़ा हुआ है बिखरा, यहाँ तक बिखरा पड़ा जो खराब हो जाएगा बारिश में, खराब टूट फूट जाएगा। और देखने में ये आया कि जो देवास में निर्णय लिए गए जिम्मेदारों द्वारा, जिस कलेक्ट्रेट को तोड़कर, चूँकि देवास की बहुत पुरातत्व तो संपदा थी, देवास के वासी चाहते थे कलेक्ट्रेट नहीं टूटे, लेकिन बड़े लोगों से साठगांठ करके उस जमीन को बेचने का जो प्रयास कमीशन के माध्यम से होना था वो तत्कालीन कलेक्टर द्वारा किया गया, लगभग 150 करोड़ का ये सौदा हुआ। अब सौदे के तहत कलेक्ट्रेट को हटाना था तो तात्कालिक कलेक्टर ने जो निर्णय लिया वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवास की जनता के लिए बहुत ही दुखदायी है, देवास के नहीं देवास जिले की, क्योंकि यहाँ पे एकलेरा माता जी और न्योरी जैसे क्षेत्रों से बच्चियाँ साइंस पढ़ने आ रही हैं। एक बच्चे को आने में 3 घंटे, जाने के 3 घंटे, आने के किसी प्रकार के संचार संसाधन, क्योंकि यहाँ नेट भी अवेलेबल नहीं, बिजली अवेलेबल नहीं, पीने का पानी अवेलेबल नहीं, आने जाने के साधन भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आने के बाद मिलते हैं। ये बच्चियाँ वो भी कर रही थी, क्योंकि भारत के हमारी स्वाभिमानी बच्चे, इस चीज़ को भी उन्होंने देख लिया, लेकिन बारिश में देखा गया कि बच्चियों को छोड़ना पड़ा, परीक्षाएँ छूट गई, उनकी पढ़ाइयाँ पीछे रह गई। आज अगर हम यहाँ देखें, हमने स्वयं महाविद्यालय के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा पिछले साल की तुलना में इस बार हमारे यहाँ जो छात्रों का रजिस्ट्रेशन वो घट गया। तो हम अपनी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या घटाने के लिए? प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी यह लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है, क्या इन लक्ष्मियों को और बहनों को हम इस साल में लेकर आज ऐसी स्थिति की शिक्षा व्यवस्था थी, वो इस देवास जैसे शहर में? तो देवास जैसे शहर में अगर ये स्थिति है तो बाकी तो पूरे प्रदेश के विद्यालयों का तो भगवान ही मालिक है। मैं स्पष्ट रूप से आज यहाँ कह सकता हूँ कि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ अपने कमीशन के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ सिर्फ कमीशन के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिया, और इस निर्णय का परिणाम देवास के वो बच्चे जो विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से देवास की सेवा कर सकते थे, देवास जिले का नाम कर सकते थे, आज कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे। हम इन बच्चों के इस कारणों को जान करके जिम्मेदारों तक, चूँकि हम भी विरोध में हैं, अपनी आवाज़ को मुखरता से वहाँ पहुँचा कर इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हम इकलेरा माता जी से आए हुए हैं और वहाँ से यहाँ तक भोपाल चौराहे तक हम बस से आ सकते हैं, और वहाँ से आने के लिए हमको यहाँ पे कोई साधन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, बिजली बहुत मतलब है बट बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पे। हम सुबह से आए, सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे, और पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, कैंटीन वगैरह नहीं है, कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नेट वगैरह की सुविधा नहीं है, नेट भी नहीं चलता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।